क्या खाओगी? क्या खाऊंगी जानू, हाथ खा ले रही अपना, हाथ खा ले रही। तुम क्या खाओगी? खीर। क्या खाओगी? खीर। हेलो गाइस, तो जैसा कि आज दिन की शुरुआत हो गई है और आज हम लोग कई सारी रेसिपी और भी बच्चों के बीच में लेकर के आएंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये क्या है, ये क्या हाल हो रखा है हमारे छोटे से किचन सेटअप का? इतना सारा गंदगी क्यों है रोहित? अभी ये यहाँ पे लाइट का काम चल रहा था तो लाइट मतलब ये सब पंखा उंखा लग रहा था। मुबारक हो, पहले तो हाथ मिलाओ, लाइट का काम चल रहा था। अच्छा, हम लोग बच्चा लोग के साथ में आ जाए। काजल, हाँ मुँह चुबा लिया। छी छी, अट नहाती नहीं है। अरे हाँ, चल चलो। ये आप अपना अपना मटेरियल उठा ले। हथियार, तुम लोगों का हथियार कहाँ है? अपने हथियार लो। और इतना सारा गंदगी हम लोग सब मिल के साफ करेंगे, जैसा कि रोहित लगा हुआ है। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर आज कुछ नया इंटरेस्टिंग हम लोग बनाने वाले हैं। इसको क्या बोलते हैं? मखाने। बच्चों को हैं खिलाने ये हेल्दी हेल्दी मखाने। ये आइडिया तुम्हें किसने दिया मखाने का, जल्दी से बताओ। ये आइडिया है बेसिकली तुलानी अंकल का, और अंकल बहुत ज़्यादा कंसर्न है बच्चों की हेल्थ को लेकर। जब से अंकल को ये पता चला है कि बच्चों के आँख के नीचे काला गड्ढा हो रहा है, तो अंकल है कि जो भी आप लोग दे रहे हैं खाना जो दे रहे हैं उसके साथ कभी कभी बच्चों को ऐसा मखाने। थैंक यू सो मच अंकल, इतना अच्छा सजेशन देने के लिए। वाकई ये मखाना बहुत हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। अगर इसको नॉर्मली हम लोग चाय के साथ भी ऐसे इसको भून करके ऊपर से खाते हैं तब भी बहुत टेस्ट आता है इसका। और क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को हम चाय नहीं दे सकते, इसलिए हम ये खीर टाइप का दे रहे हैं जिसमें दूध भी आ जा रहा है, बहुत यम्मी भी है। और तो ये चीज़ें जो है ऐसे ऐसे बहुत हेल्दी है। थैंक यू सो मच अंकल, और आपको इस चीज़ में कोई काट ही नहीं सकता है। खाने पीने की चीज़ों में जो आप हम लोगों को सुझाव दे देते हैं तभी शायद हम लोग कुछ ऐसा कर पा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच अंकल। फाइनली हम लोग मखाना डाल रहे हैं। वाओ, उसे मैं नारियल का पुराना और क्रिसमस लेके आए हूँ। लेके आओ, तुम्हें डाल दें। बगल वाला बिल्डिंग में जब जाओगे किचन में तो वहीं पे टंगा होगा। वहाँ भी हमारा किचन है। ये मोबाइल रखा है दोस्तों, मुझे रोहित का मोबाइल दिख रहा है ये, और इनका मोबाइल यहाँ पर है। रोहित वहाँ पर अपनी चीज़ों में बिजी हैं, तो काम करता हूँ इनका मोबाइल में अपने पास रख लेता हूँ और छुपा लूँगा, बाद में देखते हैं क्या हुआ। अभी मैंने ऑफ़ कर दिया है, ऑफ हो गया। ये सही जा रहा ना रोहित सर? क्या बात है। ये राजा बाबू किसी भी तरह का मसाला तो डाला नहीं, तो स्मेल कैसी आ रही है इसमें? स्मेल बोले तो महक कैसी आ रही है इसमें? असल में दूध जब आप ज़्यादा उबाल देते हो और दूध जब आप ज़्यादा उबालते हो तो दूध की अपनी एक अपनी खुद की महक होती है, और जब उसमें चीनी डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी महक है, वही महक है जो हम लोगों को समझ में आ रही है। दूध, मखाना, घड़ी, किसमें सारी चीज़ों की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। पकड़ के लाए हो इसको? किसकी? बिल्ली की माँ अंदर है, दिखाओ तो हमें कहाँ है। तो खोलो इसको, खोलो, निकाल आएंगे। अच्छा, कौन लेके आया है इसको? हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कनौजिया और आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं इस इनोवेशन फॉर चेंज टीम के लिए काफ़ी एज ए वॉलंटियर जुड़ा हुआ हूँ, और आज मैं जैसे कि सेंटर पे आया तो मैंने देखा कि बच्चों के लिए आज खीर बनाई जा रही है। और वैसे भी सेंटर पे रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है, 100 से ज़्यादा लोगों को खिलाया जा रहा है रोज़, डेली कुछ ना कुछ हो रहा है। और मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ IFC में जुड़कर, और
मुझे भी बहुत इंकरेज होता है कि मैं एफ सी टीम का हिस्सा हूँ या वॉलंटियर हूँ। तो जैसे कि देख रहे हैं कि यह व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं वो काफ़ी अच्छी है। बड़े परेशान लग रहे हो क्या? वो क्या कुछ ढूंढ रहे हो? मोबाइल नहीं मिल रहा मेरा। कहाँ रखे थे यार? वही था आपके पास होगा। मतलब हमको क्या समझते हो यार तुम, ये कैसे बात कर रहे हो? दीपक नंबर फोन करो, मैं मोबाइल नंबर फोन ही मिल रहा है, मोबाइल नहीं आया। तो हम कर रहे हैं उसको, फोन सुन लिया है, छुपाया है। इनका मोबाइल कौन ले लिया भाई? छुपाया है किसी ने? छुपाया तो हम रखा वही पहले। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को और शेयर करें, देखें और आगे भी बढ़ाएं, क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट से ही यह एफसी और ऊपर जाएगा। थैंक यू।